ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિવિઝન, બરોબર. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટિંગ કા આપકો કિતના 15 માર્ક્સ કે લિયે આને વાલા હૈ ના, જે ચેપ્ટર 15 માર્ક્સ કે લિયે અગર આતા હૈ. હમેશા દેખા ગયા હૈ યુનિવર્સિટી કા જો એક્ઝામ હોતા હૈ ડાયરેક્ટ કોલેજ ને જો એક્સટર્નલ બેઠતે વો બચ્ચોં કો યે ક્વેશ્ચન 16 માર્ક્સ કે લિયે આતા હૈ. યસ, 16 માર્ક્સ કે લિયે આતા હૈ. બહોત સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, આજ પૂરા રિવાઇઝ કર દેતે હૈ, બરોબર. અચ્છા, ઓક્ટોબર 2010 કા ક્વેશ્ચન પેપર દેખો. ઓક્ટોબર 2010 કા ક્વેશ્ચન પેપર કા એક ક્વેશ્ચન હમ લોગ રિવાઇઝ કરેંગે, ઉસમે હમારા પૂરા સીખા હુઆ રિવાઇઝ હો જાયેગા, બરોબર. યાદ હૈ ના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટિંગ સીખે થે વો. અચ્છા, कौन सा ज्यादातर हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर डिबेंचर और बॉन्ड्स ऐसे दो टाइप के आते थे. शेयर्स के भी हमने देखे हुए थे, शेयर्स भी आते थे ना, इक्विटी शेयर वाला क्वेश्चन. तो हम लोगों को क्या इसमें करने का है, डिबेंचर. अभी डिबेंचर से ही करते हैं. तो डिबेंचर का अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे ये अक्टूबर 2010 का क्वेश्चन देखो, तो उसमें डिबेंचर क्वेश्चन में क्या दिया होगा पहले वो बोलो. क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में क्या दी इन्फॉर्मेशन, क्या दी रहेगी क्वेश्चन में, डिबेंचर या तो बॉन्ड. मेन क्या, नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या दिया रहेगा, ये बैलेंस होगा, देखो बैलेंस. सेकंड क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो नया डिबेंचर परचेस करेगा, कुछ डिबेंचर सेल करेगा, बरोबर. रिविजन, ठीक. अच्छा कुछ नहीं, नहीं एक मिनट. ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट है या पर्सनल इन्वेस्टमेंट? पर्सनल इन्वेस्टमेंट, बरोबर. या पर्सनल इन्वेस्टमेंट का लेक्चर हम लोगों ने स्टडी पूरा किए थे, लास्ट जो भी लेक्चर्स हुए उसमें उसका बात है. इन्वेस्टमेंट इट इज जस्ट रिविजन, ठीक है. अच्छा तो अब हम लोग रिविजन की बात करें, तो हम लोगों ने फर्स्ट ये देखना, अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है. तो ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट है. पर्सनल इन्वेस्टमेंट का मतलब इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से इसको सोचना है, यानी अपना व्यू इंडिविजुअल होना चाहिए. तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ठीक. अच्छा, इसके बाद में दो टास्क सबसे इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर. कौन सा, उसमें से फर्स्ट इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना, और दूसरा प्रॉफिट या तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक. ये दो मेन टास्क है. अगर ये दोनों आ गए आप लोगों को, तो फिर आप लोगों का पूरा, यानी फिर इसके अंदर कोई डिफिकल्टी रहेगी ही नहीं. ये दो सबसे मेन टास्क है, इसको कैसे किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, बरोबर. इंटरेस्ट दो टाइप्स के देखे थे, कौन कौन से. कम इंटरेस्ट का मतलब क्या, अलोंग विथ, कम यानी साथ में. मैंने 1000 रुपए का डिबेंचर आपको बेचा और बोला 100 रुपया एक्स्ट्रा दे दो इंटरेस्ट का, कौन सा इंटरेस्ट का केस हुआ ये, सॉरी एक मिनट. कम और दूसरा कौन सा, एक्स इंटरेस्ट. हाँ अब बोलो कौन सा केस हुआ ये दोनों में से, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि मैं खाली कॉस्ट ले रहा हूँ 1000 रुपीज, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ. मैंने कहा भाई लो डिबेंचर लमसम भाई 1100 दे दो, 1100 सीधा ले लिया, इंटरेस्ट अलग से मैं नहीं दिखा रहा हूँ. क्या हुआ, कम इंटरेस्ट, 1100 मैंने लिया, उसमें से मैंने अपने मन में यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, मान लो 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो 100 रुपया इंटरेस्ट और 1000 रुपीज कॉस्ट, 1100 में से 100 माइनस किया तो हम लोग को मिल गया ना कॉस्ट. कम रहेगा तो हमको दो बाइफर्केट करना पड़ता है वगैरह सब, राइट. चलो तो हम लोग जब आंसर बनाएंगे, ये तो था क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया रहेगा, बैलेंस अमाउंट दी रहेगी स्टार्टिंग में कितना था, फिर कितना परचेस किया, कितना सेल किया, ये है क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपको आने वाला है एग्जाम में. वो उसके ऊपर से क्या बनाने का, तो हम लोग को आंसर में क्या बनाने का है, लेजर अकाउंट,
डिबेंचर अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट या जो भी है वो, और सेकंड जर्नल एंट्रीज। बट जर्नल एंट्रीज पूछे तो ही बनाना, ना पूछे तो मत बनाना। और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में हम लोगों को लेजर अकाउंट के बारे में पूछा गया है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जर्नल एंट्री छोड़ ही दो, वो तो आने वाली ही नहीं है, ये नहीं होता। वी हैव टू डील विद दैट आल्सो। ठीक है, तो हमको आंसर में बनाने का है लेजर अकाउंट। मान लो हम लोग लेजर अकाउंट से शुरुआत करते हैं, लेकिन हम लोग जब आंसर बनाएंगे तो आंसर में अपने को दो चीज बनानी पड़ेगी। एक तो हमारा जो अकाउंट रहेगा वो लेजर अकाउंट जो बनाने का है वो, और सेकंड जर्नल एंट्री पूछेंगे तो, नहीं पूछा तो क्या करोगे। मान लो अभी ये अक्टूबर 2010 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कहा हम लोगों को क्या बोला है, 12% डिबेंचर इन लिमोजिन लिमिटेड अकाउंट, खाली एक अकाउंट ही बनाने को बोला हुआ है, बराबर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। आंसर की शुरुआत कहाँ से करेंगे, अकाउंट बनाने से या वर्किंग नोट से? वर्किंग नोट से, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो रीड दैट, रीड नूतन, पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, मिस्टर वीरा बॉट एंड सोल्ड द फॉलोइंग 12 डिबेंचर्स। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, विराग, मिस्टर विराग की बुक है। यानी अभी हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग कौन है। विराग, हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, अभी हम लोग कौन हो गए, विराग हो गए फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग विराग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का है कि अपने पास क्या है, 12% डिबेंचर्स जो कि फेस वैल्यू कितनी है, 100। फेस वैल्यू से याद आया, मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट पे चार्ज करते हैं, फेस वैल्यू या कॉस्ट प्राइस, भूल गए, फेस वैल्यू। हमेशा इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे आएगा, फेस वैल्यू। हम कितने में खरीदते हैं, कितने में बेचते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट काउंट होता है। ठीक, हाँ आगे पढ़ो। इंटरेस्ट बीइंग पेबल बाय डिपॉजिट लिमिटेड ऑन फर्स्ट अप्रैल एंड फर्स्ट अक्टूबर ईच ईयर। एक मिनट, कभी कभी फर्स्ट अप्रैल एंड फर्स्ट अक्टूबर। चलो यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा ईयर अप्रैल के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ईयर कौन सा है ये, 2009। तो ये फिनिश कब होगा, साल क्यों बदल गया? अरे साल क्यों बदला, क्योंकि जून आ गया, मार्च दिसंबर आ गया, बीच में दिसंबर आ गया। मैं हमेशा दिसंबर के बाद हो गया ना, 31 दिसंबर को हम लोग, अच्छा ईयर चेंज होता है। तो अब मुझको बोलो इंटरेस्ट की बॉर्डर लाइन कहाँ पे रख दे हम लोग, फर्स्ट अप्रैल और फर्स्ट अक्टूबर ना, नहीं यहाँ, ठीक है। नीचे हम लोग यहाँ पे वो वर्किंग बना दे, वो नीचे वाला सबसे पहले क्या है, डेट। तो देखो यहाँ पर डेट, उसके बाद में नंबर ऑफ डिबेंचर्स, स्टेटस जवा दे, पची नेक्स्ट फेस यानी नॉमिनल वैल्यू, यानी वही है भाई, कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो यार, फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, हाँ क्या ने आप बे उन्हें मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, बस यही है ना, इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक, अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा, डेट सबसे पहला आएगा,
उसके बाद में नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू, क्यों तो और रेट। देखो हमेशा कौन से वैल्यू पे इंटरेस्ट काउंट होता है, फेस वैल्यू पे, और जितने डिबेंचर का ट्रांजेक्शन होगा उतने नंबर ऑफ डिबेंचर्स, उसकी फेस वैल्यू, उस पे कितना परसेंट और कितने महीनों के लिए। ठीक, यहां तक क्लियर? ओके, एक आंसर मुझको अभी दे दो। यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट मिला है ना इस डेट पे, तो क्या ईयर स्टार्ट हुआ तब कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था? कोई बचा हुआ इंटरेस्ट की मिलने का बाकी है, गए साल का मिलने का बाकी है, ऐसा कुछ है? क्योंकि पूरे का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ से नई शुरुआत। मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं क्या, हाँ, यानी पहले का कुछ जमा किया हुआ इंटरेस्ट बचा हो, क्योंकि क्या होता है आगे बढ़ने के पहले हमारी कुछ दास्तान पीछे छूट गई हो, वो कवर होना जरूरी है कि नहीं? इसके लिए भाई पीछे का कुछ नहीं है, पीछे का पूरा हिसाब हो गया, छोड़ दो, अभी सिर्फ आगे की बात करो। ठीक, चलो पढ़ो। हाँ, फर्स्ट जून 2009, तो जून महीना कभी आएगा? देखो फर्स्ट जून ना, चलो यहाँ पे परचेस किया, देखो मैं जून के पहले कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे परचेस, P फॉर परचेस, कितना डिबेंचर परचेस किया? 300 ना, तो देखो सी दो जगह पे एक साथ हम लिखते जाएंगे, दैट डजंट मीन कि दो हाथ से लिखो। तो यहाँ पे कितना, फर्स्ट जून यानी 6 मंथ, बराबर 2009। चलो नाउ सी, आप बोलते जाओ डिटेल्स, हाँ कितने डिबेंचर्स है? 300 डिबेंचर्स, उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी आपको मोस्ट प्रोबेबली 12% के हिसाब से, बराबर, इनटू, हाँ इनटू मंथ्स। अब वेट वेट वेट, यहाँ हमने परचेस किया तो आगे के महीने गिनेंगे या पीछे के? परचेस तो यहाँ पे किया, वहां के पहले, अच्छा पहले तो कहाँ तक पहले? ये अप्रैल के पहले तो फेब्रुआरी भी आएगा, क्या आता है, मार्च आता है, सॉरी मार्च आएगा, फेब्रुआरी आएगा, जनवरी आएगा, तो वो सब नहीं लेने का, तो कहाँ तक जाने का, क्यों अप्रैल तक? नहीं 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 नहीं, वहां से ईयर स्टार्ट होता है इसके लिए नहीं, क्योंकि लास्ट ड्यू डेट वहां पे आती है, लास्ट ड्यू डेट तक ही काउंट करने का है, तो लास्ट ड्यू डेट कहाँ पे आती है, वहां तक जाओ, बराबर। अरे भाई हम लोग तो हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पीछे की ओर क्यों जा रहे हैं? हमने आज खरीदा तो पीछे के महीने क्यों गिनने के, उनके ऊपर क्यों हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? रीजन क्योंकि उन्हें आगे का जो होगा मैच्योरिटी वो मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, इसके लिए पीछे के महीने गिनने के? देखो क्या है, याद आया कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, तो अब मैं पूरा याद दिला देता हूँ। हम लोग मान लो मिस्टर तुकाराम के पास से परचेस कर रहे हैं डिबेंचर। अब ये एकदम प्रैक्टिकल केस है, एकदम सिंपल केस है। तुकाराम के पास मान लो टाटा कंपनी के डिबेंचर्स है, फॉर एग्जांपल, तो तुकाराम को हम कहेंगे भाई एक काम कर, तू मुझको डिबेंचर दे दे, कितने डिबेंचर्स? 300 डिबेंचर्स। तुकाराम के पास से हमने कब लिए डिबेंचर? जून महीने में लिए। अब जून महीने में हमने डिबेंचर ले लिए टाटा कंपनी के, वो हमारे पास यहाँ पे हमको टाटा कंपनी इंटरेस्ट देगी, 1 अक्टूबर को हमको टाटा कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी बोलो? जून से अक्टूबर सितंबर एंड तक का, या अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक का? नॉट जून, अप्रैल। कंपनी ये नहीं जानती मैंने कब परचेस किया, कंपनी क्या करती है, जिसके हाथ में डिबेंचर्स है उसको इस ड्यू डेट से लेकर के लास्ट ड्यू डेट तक का पूरा इंटरेस्ट दे देगी। लेकिन अभी आप बोलो हमारे पास डिबेंचर कब आया? जून महीने में, तो जून के पहले अप्रैल और मई, ये दोनों महीने का इंटरेस्ट का अधिकार किसका है? जिसके पास वो था।
तो 2 महीना तो मिस्टर तुकाराम के पास था, सपोज एक एग्जांपल, जिसके भी पास से लिया हमने, तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए कि नहीं? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परचेस करने के टाइम पे उसके पास से हम लोग डिबेंचर की तो वैल्यू दे गई, प्लस 2 महीने के इंटरेस्ट का भी वैल्यू दे देंगे, 2 महीना ना। हाँ, और हम लोगों को एंड में पूरा मिल जाएगा। तो अब मुझको बोलो, ये जो 2 महीने का हम लोग उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या वो हमारा एक्सपेंस है? एक्सपेंस नहीं है हमारा, इस हाथ हम दे रहे हैं, लेकिन उस हाथ मिल भी तो रहा है, टेम्पररी हमारे पास से यहाँ से जा रहा है, लेकिन बाद में हमको मिलने वाला है। फंडा क्लियर? क्यों पीछे का महीना गिनने का? ठीक, अच्छा चलो, इसका मुझको अमाउंट, कैलसी 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 थ्री हंड्रेड इंटू 100 इंटू 12 करके परसेंट की साइन दबा दो, इंटू पीरियड रहा यहाँ पे कितना रहेगा, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स है ना, 2 बाई 12, अरे कितना, इंटू 2 बाई 12 कितना आ गया, 600 आ गया, 600। कोई डाउट यहाँ तक? श्योर, परचेस किया उस पे। चलो नेक्स्ट, क्या? अच्छा, ये एक्स इंटरेस्ट है ना? हाँ, एक्स इंटरेस्ट है, तो कितना आया? हाँ, ये कितने में खरीदा है हम लोगों ने? 300 डिबेंचर्स कितने में खरीदे? ₹92 में, तो बोलो 27,600। क्या? ओके, ये एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, दैट मींस ये खुद ही कॉस्ट है, ये खुद ही कॉस्ट है, इसको बाइफरकेट करने की जरूर नहीं है, आई मीन इसमें से इंटरेस्ट माइनस करने की जरूर नहीं है। क्लियर यहां तक? ओके, अगर कम इंटरेस्ट होता तो अपने को ये अमाउंट में से वो माइनस करना पड़ता, वो आगे देखते आगे आएगा। करो, आगे बोलो। अच्छा, अभी कम इंटरेस्ट, 1 सितंबर ना, सितंबर यानी देखो ये रहा 1 सितंबर को, फिर से क्या किया, पी किया, आई मीन परचेस किया यार, ऐसे कोई परचेस किया, कितने डिबेंचर परचेस किए बोलो? तो देखो ध्यान दो यहाँ पर, 100 डिबेंचर्स अगर हम लोग परचेस करते हैं, परचेस 100 डिबेंचर्स को कितने रुपीस में, 94 में, 9,400, क्या ये कॉस्ट है? क्यों कॉस्ट नहीं है? कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब हम लोगों को अभी इसके अंदर से इंटरेस्ट को माइनस कर, इंटरेस्ट को अलग दिखाना पड़ेगा और कॉस्ट को अलग दिखाना पड़ेगा, जब ये टोटल में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। डेट क्या है, 1 2009। चलो ये एक बार ये बन गया ना, तो खाली वैल्यूज रखते जाने का है, कितने हैं, 100 डिबेंचर्स 100 रुपीज के, 12% और कितने महीने, 1 2 3 4 5, 5 बाई 12। वो देखो जरा, तुम लोग सब लोग देखो, आंसर सेम आ रहा है ना सबका, 500 रुपया आ गया। ओके, 500। अच्छा, 500 अगर इंटरेस्ट होगा तो ये कितना होगा, कॉस्ट होगा 8,900। कोई डाउट? नेक्स्ट। अच्छा, अभी 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर के पहले क्या आता है, अक्टूबर, जहां पे हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमको मिलेगा ना। तो चलो, 1 अक्टूबर 2009, बोलो कितने डिवेंचर्स हमारे पास होंगे? ये बैलेंस थे क्या कुछ स्टार्टिंग में, बैलेंस
स्टार्टिंग में बैलेंस कुछ नहीं है। ओके तो फिर हम लोगों ने परचेस किए ना, तो कितने किए, 300 डिबेंचर्स प्लस 100 डिबेंचर्स, टोटल कितने डिबेंचर्स हुए, 400 डिबेंचर्स, 100 रुपीस ईच, 12% इंटू 6 मंथ्स, बोलो कितना आया, 2400 बराबर। यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट वन, हाँ फर्स्ट दिसंबर 2009 बोलो, सोल्ड 200 डिबेंचर्स ना। चलो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट दिसंबर यानी दिसंबर के पहले सोल्ड किए कितने डिबेंचर्स, तो 200 डिबेंचर सेल किए कितने रुपीस में, रुपीस 95, बोलो कितना हुआ, श्योर ना। अच्छा ये एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, तो क्या इसको बाइफर्केट करने की जरूर है, जो मिला यही क्या है, ये खुद ही कॉस्ट है। कितने महीने का इंटरेस्ट, वन मंथ का हमको मिलेगा या हम लोग को देने का, हाँ फर्स्ट अक्टूबर है राइट, फर्स्ट अक्टूबर को हमको इंटरेस्ट मिला है ना, तो अक्टूबर और नवंबर दो महीना डिबेंचर हमारे पास थे और वो डिबेंचर हम लोगों ने दिसंबर के फर्स्ट को बेच दिए, तो जिसको भी बेचेंगे उसको क्या कहेंगे कि यार दो महीने का इंटरेस्ट तो दे मेरे को, फिर मैं तेरे को डिबेंचर दू। तो हम लोगों ने क्या किया, डिबेंचर का 19,000 लिया प्लस इंटरेस्ट भी लिया, तो वो इंटरेस्ट कितना लिया उसका वैल्यूएशन यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट दिसंबर 2009, चलो 200 डिबेंचर्स इंटू 100, 12% 2 मंथ्स यानी 2/12, बोलो 400 आ गए, यानी हमने उसके बाद से 400 रुपीस एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ प्लस करके दिखाने की जरूर नहीं है, अलग से लिया हुआ, समझ में आ गए। नेक्स्ट वन, हाँ अच्छा कम इंटरेस्ट पे हमने लिया है बराबर, फर्स्ट फरवरी, चलो ये आ गया हमारा फर्स्ट फरवरी, परचेस किया ना, चलो परचेस पी फॉर परचेस, कितने डिबेंचर्स खरीदे, 150 डिबेंचर्स खरीदे, कितने रुपीस में खरीदे, 98 रुपीस में खरीदे, कितना हो गया उसका 14,700, क्या ये कॉस्ट है, नहीं क्यों, ये कम इंटरेस्ट है ना, कम इंटरेस्ट पे हमने लिया है, तो चलो हमको क्या चेंज कर, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, इस देखो ये टोटल वैल्यू में से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट माइनस करेगा तो हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा, तो चलो फेब्रुआरी फर्स्ट, तो फर्स्ट फेब्रुआरी 2000, ओके 150 डिबेंचर्स इंटू 100 फेस वैल्यू 12% रेट इंटू कितने महीना, 1, 2, 3, 4, 4/12, अगर 600 रुपये इसके अंदर इंटरेस्ट है तो कॉस्ट हो गया 14,100, एनी डाउट, इजी गो, ठीक है फिर आगे पढ़ो, आगे देखो है ना इंफॉर्मेशन, हाँ ये दिन पे, ये 31 मार्च को, मार्च 31 को कितना वैल्यू था, 91 रुपीस 90 पर डिबेंचर, कुछ तो रीजन होगा ना ये इंफॉर्मेशन देने का, ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आगे नहीं आउटस्टैंडिंग का हम लोग निकालेंगे, मैं 90 रुपीस की बात कर रहा था, तो 90 रुपीस का फंडा याद रखो, वो लेजर अकाउंट बनाएंगे उसमें क्लियर होगा। एनीवे यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर फिनिश हुआ,
तो हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे तब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, याद है ना? फाइनल अकाउंट कब बनता है? ईयर ईयर एंड में। तो ईयर एंड में जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उस टाइम पे हम लोग शो करेंगे कि हमारा फेब्रुआरी, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, इतने महीनों का इंटरेस्ट लेने का बाकी है, बचे है ना। ये साल का इंटरेस्ट हमको कब मिलेगा? यानी नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। तो इस साल हमको बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतना इंटरेस्ट अक्रूड है, अक्रूड आई मीन आउटस्टैंडिंग, यानी इतना इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे हमको मिलने वाला है। तो पहली बात तो ये फाइंड आउट करो कि हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं, कि देखो परचेस कितना किया, चलो कल सी लो 300 परचेस किया था, फिर वापस से 100 परचेस किया, कितना हुआ 400, उसमें से 200 बेच दिया, 200 बचा, 200 में से वापस हमने 150 खरीदा, कितना हुआ 350 डिबेंचर्स हुआ। तो 350 जो डिबेंचर्स है ये हमारे पास है 31 मार्च 2010 को। तो 350 डिबेंचर्स पे 100 रुपीस के फेस वैल्यू पे 12% मिलेगा, लेकिन कितने मंथ्स का? मैंने क्या बोला आपको, हमेशा इंटरेस्ट काउंट करो तो लास्ट ड्यू डेट तक जाओ, महीने गिनने के टाइम पे। हाँ, तो लास्ट ड्यू डेट हमारी अक्टूबर 1 आ रही है, यानी पूरा अक्टूबर गिनने का है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 2100। तो यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये यहाँ पे नहीं लिखो तो ठीक है, यहाँ पे रहा, ठीक, यहाँ तक फंडा क्लियर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का भी कोई डाउट? मेन पॉइंट्स हमारे मेन तो यही है, आपको ये चीज बरोबर से आनी चाहिए, क्योंकि ये एक रख दोगे तो इसके अंदर सारी वैल्यूज अपने आप आपको निकाल कर दे देगा इंटरेस्ट, ठीक। दूसरी बात ध्यान रखना है कौन से डेट पे परचेस किया है या सेल किया है, ये क्लियर हुआ। अब अगर कम इंटरेस्ट होगा तो बाइफरकेट करो, आई मीन इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो कॉस्ट प्राइस अलग से मिलेगी। एक्स इंटरेस्ट है तो वो खुद ही कॉस्ट है, इंटरेस्ट प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस करके दिखाने की जरूरत है, क्लियर। अब इसके बाद क्या बनाने का, लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाने के टाइम पे फिर से वर्किंग नोट करनी जरूरी है एक छोटी सी, कौन सी? हमने यहाँ पे कितनी बार सेल किया बोलो, ये तो परचेज है, ये भी परचेज है, ये सेल है। तो ये सेल करने के टाइम पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कैसे पता चलेगा, उसकी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेजर अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट के टाइम पे जब जब सेल आएगा तब तक वो वर्किंग नोट पे जाएगा, इतना छोटा सा वर्किंग नोट है वो, तो वो हम लोग कब करेंगे, पहले ये आप लोग लिख लो, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, एग्जाम में यही स्टेप फॉलो करना है। एग्जाम में पहले क्या करोगे, वर्किंग नोट ये दोनों के साथ में, ठीक, उसके बाद में लेजर अकाउंट बनाओगे। लेजर अकाउंट में जैसे ही सेल आया सेल की एंट्री करो और अपना वर्किंग नोट है वो करो, फिर आगे आपका पूरा अभी लेजर अकाउंट इसमें से हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर है तो लेजर अकाउंट में इसको खाली कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए आपको 5 मिनट से भी कम जाएगा, पूरा लेजर अकाउंट तुरंत बन जाएगा अगर ये क्लियर है तो। ले देखे ये बनियागिरी का काम है, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, बरोबर, और कितने महीनों का इंटरेस्ट इस पे जोड़ना है, बस हो गया। गिन के 4 ट्रांजेक्शन दिए, 2-3 बार परचेस किया, 1 बार सेल किया, 16 मार्क्स के लिए अक्टूबर 2010 में आया था, सोचो, ठीक। तो ये वाला पहले आप लोग लिख लो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर अकाउंट, बरोबर। अब वर्किंग नोट आप आपके सामने रखो और यहाँ पर उसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, वर्किंग नोट अगर बरोबर से हो गया ना तो लेजर पोस्टिंग अब वर्किंग नोट के ऊपर से करना है। अब ये वाले क्वेश्चन को नहीं देखेंगे जो हमारे सामने था अभी क्वेश्चन, ठीक, क्या किसके ऊपर से करेंगे,
वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के ऊपर से हो गए, नाउ स्टॉप एवरीथिंग, बराबर। चलो वर्किंग नोट लो, आपने वर्किंग नोट अभी मैंने तो रब कर दी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखे गए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विराग, जो नाम रहेगा वो, बराबर, जो नाम है क्वेश्चन मिस्टर विराग, ओके। और फिर अकाउंट का नाम, हाँ मैंने बोला ये कंपनी नहीं है, ये पर्सनल है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है, इसके लिए क्या 100 ईच ऑफ लिमोजिन लिमिटेड, यानी वो कंपनी के डिबेंचर्स अपने पास है, तो लिमो, ये देखो इसके ऊपर एक मार्क है ना, बच्चे गवा देते हैं। क्या होता है यहाँ पे, इन दी बुक्स ऑफ कंपनी लिखने का हैबिट होता है, तो लिमोजिन कंपनी, अरे अपने को कोई भी कंपनी हो उससे अपने को लेना देना नहीं, बुक किसकी है, विराग की बुक है, विराग, हम लोग विराग है, तो हम लोग विराग के लिए ये अकाउंट बनाए है, इन दी बुक्स ऑफ विराग, और 12% डिबेंचर्स ऑफ लिमोजिन कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ऐसा लिखो चलेगा, 12% डिबेंचर ऑफ जो कंपनी का नाम है अकाउंट, बात समझे यहाँ तक। चलो तो अभी स्टार्ट करें हम लोग, क्या अभी वो लिख दो ना, अभी इन दी बुक्स ऑफ वगैरह वगैरह फलाना ढिकना। चलो डेबिट और क्रेडिट दो साइड रहेगा, बराबर, फर्स्ट कॉलम विल बी डेट, सेकेंड, अच्छा पर्टिकुलर्स के बाद में है ना, यहाँ पे लेजर फोलियो भी आता है, कुछ लिखते नहीं है, मैंने नहीं बनाया, जगह कम है, एनीवे, फिर ये एनवी स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू जो है वो, ठीक, और मैंने एनवी लिखा है, आप लोग एनवी नहीं लिख सकते, आपको फुल फॉर्म लिखना जरूरी है, ठीक है। ये दो लाइन का बनाओ चलेगा, नॉमिनल नीचे की लाइन में वैल्यू, ऐसा दो लाइन का अच्छा दिखेगा। फिर ये क्या है, इंटरेस्ट, उसके बाद में कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, ओके। चलो छोड़ो अभी, चलो अभी आप इसमें आ जाओ, आपके वर्किंग, वर्किंग में आ जाओ, वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट में सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट डेट 300 डिबेंचर्स, कौन से डेट पे, फर्स्ट जून को है ना, अप्रैल महीने से ईयर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अप्रैल महीने में हमारा कुछ बैलेंस नहीं है, ना कोई ट्रांजेक्शन है, इसके लिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे सीधा चले जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा हुआ अप्रैल में, तो यहाँ पे लिखे, सॉरी जून में, फर्स्ट जून 2009, चलो बोलो, टू क्या किया, खरीदा ना इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए टू कैश और बैंक अकाउंट, देखो मैं सीबी लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग लिख सकते हो क्या एग्जाम में, कैश बैंक अकाउंट, फुल फॉर्म कैश बैंक अकाउंट, अच्छा। इन्वेस्टमेंट हम खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट अपने पास आएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो आया इसके लिए हमने डेबिट में लिखा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब तीन चीज है, तीन कॉलम में तीन अमाउंट कैसे लिखेंगे, पहले तो जो डिबेंचर खरीदे उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है ना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपीज एक डिबेंचर का है, ऐसे कितने डिबेंचर्स खरीदे, 300 डिबेंचर्स खरीदे है, यानी 300 डिबेंचर के 100 रुपए के हिसाब से होते हैं 30,000, अच्छा वो हमने कितने में, देखो इंटरेस्ट की बात बाद में करो, पहले ये बोलो वो 30,000 के डिबेंचर हमने कितने में खरीदे, 92 पर डिबेंचर, यानी टोटल 27,000, क्या ये समझा, तो जब हमने खरीदा डिबेंचर उस टाइम पे हमने इंटरेस्ट पे किया ना, सामने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भाई तू तेरा इंटरेस्ट ले ले और हमको डिबेंचर दे दे, तो बोलो वो इंटरेस्ट कितना है, ये इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव्ड है, क्यों डेबिट है तो रिसीव्ड पे किया हमने, मैं बोल तो रहा हूँ परचेस करेंगे तो, हाँ हमने जिसके पास से डिबेंचर खरीदा उसको इंटरेस्ट दे दिया, समझ में आ गए, नेक्स्ट, फिर से परचेस किए कितने में, कभी परचेस किए वो बोलो, डेट
तो फर्स्ट 9 2009, चलो टू कैश और बैंक अकाउंट। उसकी नॉमिनल वैल्यू कितने डिबेंचर्स खरीदे? 400 डिबेंचर्स परचेस किए, 100 डिबेंचर परचेस किए ना, तो 100 डिबेंचर्स 100 रुपीस के, वो 100 कितने में परचेस किए? हाँ, 9400 में। उसके ऊपर तो ये लिखा ना कॉस्ट प्राइस। अच्छा हाँ हाँ हाँ, कम इंटरेस्ट है तो कॉस्ट प्राइस ये, अरे यहाँ पे लिखा है कॉस्ट, या ना कॉस्ट प्राइस ही बोलो। और इंटरेस्ट, आप समझ में आए? वो हमने बाइफरकेट क्यों किए वर्किंग नोट में, दो अमाउंट क्यों निकाली है, क्योंकि कम इंटरेस्ट रहेगा तो उस अमाउंट में से दो अमाउंट बनाने की माइनस करके दोनों अलग अलग कॉलम में लिखकर बताने का जरूरी है। ठीक, अब आगे बोलो। इंटरेस्ट चार्ज है ना, हाँ चलो, इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है रिसीव्ड, ये वाला तो पेड के लिए है ना, तो रिसीव्ड के लिए इधर आएगा क्रेडिट में। चलो डेट बोलो। 1109। चलो इंटरेस्ट मिलेगा यानी अपने को या तो कैश मिलेगा या तो चेक के थ्रू मिलेगा, और इंटरेस्ट मिल रहा है इसके लिए सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में। अमाउंट कितनी है? 2400। नेक्स्ट, अच्छा सेल हुआ, सेल हुआ यानी इन्वेस्टमेंट गया, गया तो क्रेडिट। चलो कौन से डेट पे? 1209। चलो गया तो अपने पास क्या आएगा, या तो कैश आएगा या तो चेक आएगा, यानी बैंक के थ्रू मिलेगा। एक तो काम करे, 10 मिनट रुकेगा, 10 मिनट दे। तो बाय कैश बैंक अकाउंट कितना हुआ? 200। कितने डिबेंचर बेचे? 200 डिबेंचर। हाँ तो कितने के? 20,000। नॉमिनल वैल्यू 20,000। चलो कितने में बेचे? 19,000 में बेचे। इंटरेस्ट कितना आया? 400। अब ये जो डिबेंचर बेचा है उस पे अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये फाइंड आउट करना है, बराबर? तो वो फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो सिंपल फॉर्मूला, सेल्स माइनस कॉस्ट। कितने में बेचा? 19,000 में। अब इसका कॉस्ट कितना था, कितने का 19,000 में बेचा ये पता चले तो प्रॉफिट या लॉस है वो पता चल जाएगा। तो वो कितने का था ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, बराबर? तो नहीं नहीं एक मिनट, कॉस्ट ऑफ टोटल डिबेंचर्स, ध्यान दे रहा, कॉस्ट ऑफ टोटल डिबेंचर्स अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर्स। कॉस्ट कितना है? तो ये दोनों कॉस्ट है और ये दोनों नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ सोल्ड डिबेंचर्स। यहाँ पर है सेल्स 19,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ टोटल डिबेंचर यानी ये दोनों का टोटल करो, 27,600 प्लस करो 8, सबका वही आ रहा है 36,500 अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर्स। तो ये नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन याद, एक मिनट, नॉमिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के टाइम पे एक चीज याद रखना कि जो नॉमिनल वैल्यू इधर है उसमें से अगर पहले कुछ सेल किया है तो वो नॉमिनल वैल्यू सेल वाली रहेगी, ये वाली नहीं है, ये तो अभी सेल किया, ये डेट के पहले अगर कोई सेल हुई रहती तो वो भी माइनस करनी पड़ती, बात समझे? ये बहुत यहाँ पे प्रॉफिट कैसे, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही कहा ना, दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये फाइंड आउट करना।
तो प्रॉफिट हुआ या लॉस फाइंड आउट लॉस हुआ ये फाइंड आउट करने के टाइम पे अपने को जब नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर करेंगे, या तो इसकी भी बात करो कॉस्ट ऑफ टोटल डिबेंचर्स। एक बात याद रखना कि कॉस्ट और नॉमिनल वैल्यू का टोटल करने के टाइम पे क्या पहले कुछ सेल हुआ है उसका यहाँ पे वैल्यू रहेगा। अगर पहले सेल हुआ है तो वो नॉमिनल वैल्यू और वो कॉस्ट दोनों इसमें से माइनस करने की रहती है रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये नो कॉस्ट ऑफ टोटल डिबेंचर, तो ये वाला टोटल पहले तो कुछ बेचा ही नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर्स, इसका टोटल पहले कुछ बेचा हुआ नहीं है, अगर बेचा हुआ होता तो दोनों में से हम लोग वो रिस्पेक्टिव अमाउंट माइनस कर देते। क्लियर? नहीं, वो टोटल में लेते जाने का, खाली सेल याद रखो बस, खाली सेल इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ सोल्ड डिबेंचर्स। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ सोल्ड डिबेंचर्स कितनी है? ये सोल्ड यानी ये वाला बेचा ना 20,000 है, तो चलो ये है 40,000। तो 40,000 इनटू 20,000 करो तो ये कितना आता है? 18,000 250। तो प्रॉफिट हुआ क्योंकि कॉस्ट था 18,250 और बेचा 19,000 में, प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट क्या, कोई डाउट? अब याद रखना यह वाला चीज कि 750 होने से हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, हमको यहाँ पे इंक्रीज करना है। ठीक है, और ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ पर शो करेंगे? कैसी शांति छा गई, मैंने एक सवाल पूछा तो नहीं। प्रॉफिट कहाँ पर शो करेंगे हम लोग? P&L में, याद आया? अच्छा, हमको P&L के डेबिट में एक्सपेंस लिखते हैं, P&L के क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? यहाँ पे टू तो वहां पे भाई P&L के क्रेडिट में, याद? अभी क्लियर हुआ? तो P&L के क्रेडिट में हम लोग एज एन इनकम इसको दिखाते हैं, इसके लिए यहाँ पे रखा हम लोगों ने। ठीक, डेट वही जिस दिन सेल किया है, 1/12/2009, बरोबर? 1/12/2009 है। हाँ, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे शो करो। आप लोग याद रखना, अगर लॉस होता तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। ये क्लियर? ऑल क्लियर? तो चैप्टर क्लियर। ठीक, फिर आगे आगे बोलो, ये हो गया ना, आगे का वर्किंग नोट में आगे बढ़ो। हाँ हाँ फर्स्ट 1 फरवरी 2010 को क्या किया? चलो तो वापस से डेबिट, 1 फरवरी 2010 को टू कैश और बैंक अकाउंट, बोलो कितना? 200 डिबेंचर्स, हाँ 150 परचेस किया, 150 डिबेंचर्स परचेस किया, यानी 15,000 कितने में परचेस किए? कॉस्ट कॉस्ट देखो मैं किस प्रकार लिखते जा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे ही याद रखने का है क्या? एग्जाम में आपको ऐसे ही याद रखने का कि इतने के खरीदे, इतने रुपीस के है जो कितने में खरीदे, तो 15,000 के 14,100 में खरीदे। अब उस पे इंटरेस्ट कितना दिया? 600 रुपया। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट है ना हमारा लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अब हमको जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हम, अच्छा वो कितना है इंटरेस्ट? 90 का है ना, वो देखते, वो लास्ट में आएगा, लेकिन मुझको ये बोलो कि जब ईयर फिनिश हुआ तब इंटरेस्ट कितने का था? हाँ लास्ट में हमने फाइंड आउट किया है ना, इतनी मेहनत करके 2,100 का है ना इंटरेस्ट, तो यहाँ पे रखो 2,100 का आउटस्टैंडिंग हमारा बैलेंस है ना,
तो ये बैलेंस कब हमारा आया, ड्यू हुआ 31st 3 2010 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, इतना बैलेंस हमारा बाकी है। अब यहाँ पे वो 90 रुपीज वाला इंफॉर्मेशन काम में आएगा। पहले नॉमिनल वैल्यू ले लो। हाँ, 55,000। और 55,000 माइनस करो, ये तो कितना आया? क्या इसमें कोई डाउट? नहीं। अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस का आएगा, कॉस्ट प्राइस में अपने को ध्यान देना पड़ेगा। मुझको पहले बोलो ये दोनों का टोटल करो, पहले डेबिट का टोटल करो, कॉस्ट प्राइस में कितना है देखो। टोटल 51,350। ओके, मेजोरिटी ऑलवेज विंस। तो 51,350 इसका टोटल करो, 19,000 माइनस करके बोलो, 32। श्योर? क्या हुआ? 32,350 आपका कितना आ रहा है? 90 का कुछ तो करना। मैंने क्या बोला? कुछ जब इन लोग देंगे तो कुछ तो उसके अंदर ट्विस्ट होगा ना, बोलो। ठीक, अब मुझको बोलो, ये तो हमने माइनस करके अपने हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था? मार्केट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या है वो जो लास्ट लाइन था, वो मार्केट वैल्यू ऑफ, नहीं 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 वो नहीं, हाँ, अब मार्केट प्राइस है 90 पर डिबेंचर। हाँ, तो यहाँ पे कितने डिबेंचर बचे वो बोलो। ओके, 350 डिबेंचर मार्केट प्राइस पे देखो तो कितना आता है? 31,500। हम लोगों ने जब मैं आप देखो हम लोग 12th में जब अकाउंट्स अपना क्लोजिंग स्टॉक करते थे तो आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज आती थी, याद है? विच एवर इज लेस, मैंने सिखाया था मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक। लो रट्टा मारे हो तो फिर याद नहीं रहेगा। तो याद क्यों नहीं आ रहा? अरे क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दी रहती थी फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट में, उसमें से वो छोटी वाली लेते थे आप। हाँ, अभी ये याद रहे, जो भी कम रहेगा लेसर अमाउंट वो लेते थे ना। तो वही फंडा इन्वेस्टमेंट पे भी अप्लाई होता है, वही फंडा। इन्वेस्टमेंट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन टू द बैलेंस शीट इन द असेट साइड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब देखो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगी ना, या तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कॉस्ट वाली, कॉस्ट प्राइस में जो हम लोग ये बैलेंस दिखा रहे हैं, ये बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में शो करने के लिए अपने पास दो वैल्यू है, अपनी कॉस्ट प्राइस आ रही है 32,350, हमने ये माइनस किया ना इसमें से, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस बन गई 32,350। ओके, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन दी है मार्केट प्राइस कितनी, 90 रुपीज के हिसाब से 31,500। अब बोलो कौन सी ले, मार्केट प्राइस देनी पड़ेगी? भले ही लाइन कॉस्ट की बनाई है, कॉलम तो कॉस्ट की है, लेकिन लेंगे कौन सी? मार्केट प्राइस 31,500। तो डिफरेंस तो फिर भी आ रहा है ना, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 850 नो आवे छे। ये 850 को हम लोग एडजस्ट कर देंगे P&L के थ्रू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31st 3 2010।
ठीक। ओ एनीवे क्या नहीं, ये हाँ वो अगर आप नोट करके लिखोगे कि इन्वेस्टमेंट है इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ऐसा लिखोगे चलेगा। यहाँ तक क्लियर? अब बोलो ये वाला, ये इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का टोटल मारो। 1,700 इधर कितना है, क्रेडिट में कितना है, यहाँ पे कितना है? ये तो ज्यादा है ना बैलेंस को गिनकर। 4,900 हम लोग पी एंड एल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पे शो करते हैं? अच्छा हाँ, एज पर कंडीशन, ठीक है। टू पी एंड एल, अगर टू पी एंड एल आया तो पी एंड एल में किधर जाएगा? क्रेडिट में, मतलब बाय हो जाएगा वहां पर 3,200। यानी ये इनकम हो गई हमारी, पूरे साल हमने डिबेंचर का सौदाबाजी करके इतना रुपीस का कमाई किया है। सौदाबाजी करके नहीं, इंटरेस्ट इतना मिला हुआ है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? 15 मार्क्स जेब में, ठीक है। चलो हाँ, वो यहाँ पे आप लोग लिख देना साथ में कि इन्वेस्टमेंट इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस एज इट इज लेसर देन द कॉस्ट प्राइस। हाँ ठीक है, हाँ बराबर, हमेशा मार्केट प्राइस नहीं, जो विच एवर इज लेसर, ठीक है। हाँ चलो लिखो फर्स्ट।